हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम सॉरी, तब साउंड नहीं आ रहा था. आई होप अब आ रहा हो. हेलो, इज एनीबॉडी इज देयर? हेलो. ओके, साउंड आ रहा होगा आई होप. गुड इवनिंग एवरीवन. आई होप आप सब सही हो, ठीक कर रहे हो. आई एम सॉरी, तब थोड़ा डिस्टर्ब था. आई थिंक साउंड, आप लोग मुझे नहीं सुन पा रहे थे. आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया, इतना दिन बाद में सडनली लाइव कैसे. हाय योगेश गुप्ता. हाँ जी, तो मैं आज अपने बारे में बताने के लिए या किसी चीज को प्रमोट करने के लिए लाइव बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ बात है जो मैं सही में बहुत दिन से देख रही हूँ. बहुत दिन से सोशल मीडिया में, हालांकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ. अभी अभी शूट से आपने देखा होगा मेरे चेहरे की बैंड बजी हुई है. बट स्टिल सोचा कि आप लोग से बातें करूं. तो गाइस, अभी बात हो रही है गोरखालैंड को लेकर, जो दार्जिलिंग में फाइट हो रही है. हमने देखा है वहां के पुलिस इतनी बेशर्मी पे उतर आए कि महिलाओं के ऊपर इतना गंदा अत्याचार. कोई भी पुलिस वालों को पहली बात रात में 7:30 बजे के बाद एक फीमेल को, अगर कोर्ट ने अगर ऑर्डर भी दिया है तो उनके ऊपर इतनी राइट्स नहीं है. अगर महिला बोले 7:30 के बाद मुझे आपके साथ नहीं चलना है, अंटिल एंड अनलेस वहां तक, वहां पर अगर कोई लेडी कांस्टेबल ना हो तो वो नहीं ले जा सकते. तो यहाँ पे तो सरेआम वो लोग मार रहे हैं वो लेडियों को. और मैंने अपने यहाँ पे पेज में गोरखालैंड को लेकर कुछ लिखा था तो काफी लोगों ने रिएक्ट किया. पहली बात, जब सरहद में बहादुर वीर बहादुर तेजवीर सिंह जी जब शहीद हुए थे तब ये लोग कहाँ थे? जब गोरखा जाके सरहद में लड़ता है, भारत माता के लिए फाइट करता है शत्रुओं के साथ, तब सब बोलते हैं हाय वीर, हमारा गोरखा, हमारा इंडियन. और आज जब गोरखाओं ने अपने हित के लिए, अपने हित के लिए, अपनी मातृभाषा की मांग करी और अलग से स्टेट चाहा, उन्होंने कंट्री नहीं चाहा है, अलग से स्टेट चाहा है, जो हर इंसान का हक होता है. हम नेपाली भाषी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेपाल से आए हैं. हमारे साथ पुरखों ने भी नेपाल नहीं देखा होगा. और आज अगर ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी अगर गोरखा रेजिमेंट को दे रहा है, गोरखा रेजिमेंट दे रहा है, इसका मतलब क्या है? ब्रिटिश लोग जो हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, उन लोग भी अपने रक्षक गोरखाओं को रखते हैं. पता है क्यों? क्योंकि गोरखा कभी लड़ने से पीछे नहीं हटता है. और आज जहां भी देखिए आप, गोरखाओं को हमेशा ट्रबल करना पड़ता है अपने हक के लिए. उन्हें हमेशा नीचा दिखाया जाता है. गोरखा किसी का सिक्योरिटी नहीं है, वो भी भारत के बासी है. जैसे हम बाकी भारतीय हैं वैसे उनका भी बराबर का हक है भारत में. लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो आप लोग? मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे कि गो टू नेपाल. जब वो सरहद पे लड़, जब शिव थापा मेडल जीतता है तब तो आप बड़ा बोलते हो अमर अहम संतान अमुक तमुक, हमारा भारत का है. जब सीमा सुवेदी एशिया इंटरनेशनल जीतती है तब तो आप लोग बड़ा बोलते हो हाय वी आर इंडियन. अभी आपका वी आर इंडियन वाला मेंटेलिटी कहाँ चला गया जो आप ऐसे बातें कर रहे हो? क्या आपके दिल में थोड़ा सा भी दर्द नहीं है? महिलाओं को ऐसे पीटा जा रहा है. अरे, गोरखाओं ने कभी भी अलग कंट्री नहीं मांगी, लेकिन आज अगर पासपोर्ट के लिए ऑर्डर करने जाए, अगर वो लोग पासपोर्ट चाहे तब भी उनको बोलता है नेपाल है. आज असम में देखो नेपाली, हर जगह उनको डोमिनेटेड होना पड़ता है. क्यों? भारत के लिए इतना कुछ समर्पण करने के बाद भी, समर्पित होने के बाद भी गोरखाओं को क्यों वो खुशी, वो जगह नहीं मिल पाता जो बाकियों को मिलता है? आप लोगों को नहीं लगता कि ये चीज गलत है? ये बर्दाश्त से बाहर है. और गोरखा ही ऐसा जात है जो हर कल्चर को रेस्पेक्ट करता है. आप अगर बीटीसी में जाए तो बोडो लोग, उस दिन मैंने जब सेपरेट बीटीसी की बात करी थी, सेपरेट बीटीसी सेपरेट चाहिए की बात करी थी, तब भी बहुत लोगों ने
रिएक्ट किया था। क्यों नहीं, मैंने बोडो लोग को देखा है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं भाई बोडो लैंग्वेज जानती हूँ तो नहीं, मैं बोडोलैंड में पैदा हुई हूँ, मैंने बोडो लोगों को अच्छे से देखा है, उनको परखा है, बीटीसी के लीडर्स को मैंने देखा है। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ या ऐसा कुछ तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जहां बात सच और झूठ की आएगी, जहां बात गोरखाओं की आएगी, वहां मैं जरूर बोलूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो। और गोरखालैंड की मांग करना मुझे नहीं लगता गोरखाओं का दोष है या उन लोग कुछ गलत मांग कर रहे हैं, क्योंकि गोरखालैंड अपना भाषा बोलना, अपनी भाषा में बात करना मुझे लगता है हर इंसान का हक है। और उन्होंने ममता बनर्जी या हमारी लड़ाई बंगाली से ममता बनर्जी से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, अपनी भाषा की मांग के लिए है। तो पुलिस ने जब महिलाओं के ऊपर सरेआम अत्याचार किया, तब आप लोग कहाँ थे? अभी तो गोरखाओं को नेपाल दिखा रहे हैं। जब बहादुर तेजवीर सिंह सरहद में शहीद हुए थे, तब आप लोग कहाँ थे? बड़े देशभक्त बनते हैं ना आप लोग, जाके देखिए गोरखाओं ने क्या क्या किया है कंट्री के लिए। तो इसीलिए हर एक इंसान को इज्जत करिए, हर एक कल्चर को इज्जत करिए। हम लोग इंडियन हैं। गोरखाओं ने कभी ये नहीं बोला कि सेपरेट कंट्री दे दो, हमें नहीं चाहिए सेपरेट कंट्री, हमें चाहिए सेपरेट स्टेट। दार्जिलिंग में आज देखा जाए, पूरी नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और दार्जिलिंग को सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे क्लीन माना जाता है। क्यों? आज हम देखा जाए तो हम नॉर्थ ईस्टर्न को हर जगह लोग बोलते हैं, कोई चाइनीज बोलता है, कोई क्या। इवन मैंने भी ये चीज सहा है, हिंदी खराब है, तुम लोगों को तो हिंदी नहीं आती। लोग जगह जगह में पूछते हैं आर यू इंडियन, मैंने भी ये चीज सही है, ऐसी बात नहीं है। डिक्शन में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, ये है वो है, लेकिन है तो हम इंडियन ही ना। हम जानते हैं हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं, और जरूरी नहीं है अगला को भी वो सेम फीलिंग हो जो हम फील करते हैं। तो ये मुद्दा अभी बहुत बड़ा हो चुका है, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इनफैक्ट सपोर्ट करना चाहिए। हम एक दूसरे का हमदर्द बनेंगे तभी जाकर देश तरक्की करेगा। आज गोरखाओं को आप लोग नेपाल का रास्ता दिखा रहे हो ना, बांग्लादेशी को अगर आसाम में जगह मिल रहा है, वहां का रेसिडेंशियल, वहां की रेसिडेंट्स उनको आसाम लोग उनको आसामिश बोल के काउंट कर रहे हैं, तो गोरखाओं को क्यों नहीं? आज आसाम में गोरखाओं को अपने औकात दिखाया जाता है, बाहर गए तो उनको अपने औकात दिखाया जाता है। ये क्या सही है? एक कॉमन मैन के हिसाब से सोचिए, जब वोट चाहिए, जब इलेक्शन आती है, वोट चाहिए होते हैं, तब तो गोरखाओं के पास ही बड़ा दौड़ा दौड़ी होता है। आज देखा जाए तो गोरखाओं का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको गोरखास मिलेंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर हर जगह। तो एक दो मैंने कमेंट पढ़ा जो कि बहुत ही गलत था, बहुत ही गलत, कि गोरखाओं को नेपाल जाना चाहिए, दे शुड गो टू नेपाल एंड थिंग्स। गोरखास, पहली बात तो गोरखास आर नॉट नेपलीज, हाँ वो नेपाली स्पीकिंग लोग हैं। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी लोग हिंदी बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंडियन है। या हमारे यहाँ जो भी लोग उर्दू बोलते हैं, जरूरी है कि वो पाकिस्तान से होंगे? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हम बंगाली बोले तो हम बांग्लादेशी ही हो, बंगालियों का भी काफी अवदान रहा है। हम सबको मिलके आगे बढ़ना है, हम सब भाई भाई है, क्यों हम जात जात को लेकर लड़ाई कर रहे हैं? ये तो गलत है ना। और गोरखाओं का फाइट बंगाली से, ममता बनर्जी सरकार से बिल्कुल भी नहीं है, या किसी को चोट पहुंचाना। उस दिन न्यूज में देखा गया गोरखाओं के ऊपर बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचा गया। मैं पर्सनली अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोरखा लोग कभी किसी पे बिन बजाए हाथ उठाए या बरसे। जरूर कुछ ऐसी बात है। और गोरखा कभी छल कपट करना जानता ही नहीं है, इसीलिए तो भारत सरकार ने गोरखा रेजिमेंट दिया है। अगर गोरखा भारतीय नहीं है तो गोरखा रेजिमेंट क्यों? फिर नेपाल रेजिमेंट होना चाहिए ना गोरखाओं के लिए, फिर गोरखा रेजिमेंट क्यों? सरकार क्यों ट्रस्ट कर रही है? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सरकार से, मेरे काफी लोगों से, प्लीज ये मत समझिएगा कि मैं पॉलिटिकली बोल रही हूँ ऐसा कुछ। इसको मैंने देखा है, जब भी मैं कोई पोस्ट करती हूँ तो मेरे फैन के बीच लड़ाई होती है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। लेकिन हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए जो कि सही है। आज हम मेघालय में रहते हैं, खासी
वहां के जो भी लोकल लैंग्वेज है मैं उनकी इक्वली इज्जत करती हूँ। मैं बीटीसी में पैदा हुई, बोडो लोग मेरे जान में बसते हैं, मेरे खून में बोडो है, मेरे खून में बीटीसी। आज मैं मुंबई में भी अपने असम को, अपने बीटीसी को, अपना मेघालय को बहुत मिस करती हूँ। पता नहीं क्यों जब मैं गुवाहाटी में लैंड करती हूँ ना, मुझे वो फीलिंग आने लगती है मैं अपने घर आ गई। सो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना समझे आप लोग कि मेरा कोई भी इंटेंशन था आप लोगों को हर्ट करने का या ऐसा कुछ। और जैसे बोडो लोगों को मैंने देखा है अपने आंखों के सामने, उनकी लॉयल्टी। और रही बात बोडोलैंड की, तो बोडोलैंड सरकार वो है, बीटीसी में पहले बोडो लोग हैं जिन्होंने गोरखाओं को अपने कल्चर समझाया, हमारे कल्चर से हमें इंट्रोड्यूस कराया। तो मुझे नहीं लगता कि बोडो लोग का हक नहीं बनता कि बोडोलैंड ना मिले। ऑफ कोर्स दे डिजर्व, क्योंकि बोडो लोगों ने, जैसे बोलते हैं ना कि पहले से ना जाने कितने हजार साल सालों से बोडो लोग इंडियन हैं, भारत में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी को भी ट्रैवल होना ना पड़े। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बोडो लोगों को जैसे सेपरेट बोडोलैंड मिलना चाहिए, अपनी भाषा की मांग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह गोरखाओं को भी मिलना चाहिए। जब लड़ने की बारी आई शरद में, तो आ भाई जय माँ काली, आयो गोरखाली, हाय गोरखा इंडियन चाहिए वो। जब गोरखाओं ने अपने हित के लिए लड़ना शुरू किया, तब आप लोग बोलने लग गए कि ये तो इंडियन नहीं है वो। अरे खुदा, अजीब है आपकी महिमा। ऐसा ना करें बिल्कुल भी। और जैसे बंगालीज, भले बंगाली स्पीकिंग हो बट है इंडियंस ना, ठीक उसी तरह गोरखास भी इंडियन है। तो उनके ऊपर सवाल ना किया जाए। आज अगर कोई, हम नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं, बाहर हमें चाइनीज बुलाया जाता है, चिंकी आंख खोल के बात कर, कितना हर्ट होता है सोचिए। है तो हम इंडियन ना, 15 अगस्त 26 जनवरी हम भी सेलिब्रेट करते हैं, हालांकि उनसे भी ज्यादा हम शायद अपने देश को इज्जत देते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, प्लीज सपोर्ट फॉर गोरखालैंड। और आप खुद के दिल से पूछिए जिन गोरखाओं ने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, जिनको सरकार खुद अप्रिशिएट कर रहा है। रही बात दार्जिलिंग की, तो दार्जिलिंग को इतना साफ सुथरा रखने में गोरखाओं ने बहुत, उनकी बहुत बड़ा उनका अवदान है। आज टूरिस्ट भी जाती है तो दार्जिलिंग के लिए एक ही बात बोलती है, दार्जिलिंग और मेघालय के लिए, वाह व्हाट अ प्लेस। तो उस प्लेस को साफ रखने में सबसे बड़ा हाथ गोरखाओं का है, वहाँ के लोगों का है, वहाँ की नेपाली स्पीकिंग लोगों का है, जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। तो अपने आसपास की सफाई को बने रहने दें, और अपने घर की तरह अपने सड़क को भी साफ रखें, और चैन से रहें, दूसरों को भी चैन से जीने दें। जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।